डिफर कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा हुआ उसने धर्म को गढ़ा, उसी ने ईश्वर को गढ़ा। ईश्वर और धर्म कुछ नहीं था। मनुष्य को उसने, वो मनुष्य तो जानवर है बेसिकली, बेसिकली दे आर एनिमल्स, तो उसको कंडीशन किया और कंडीशन करने में कुछ लोग ऊपर उठ गए। उसने जो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी, प्लेटो की जो आपने बात कही, मेरी बहुत सी बातें तो फर्स्ट ही ने बोल दी, शुक्रिया आपका, और बहुत चीज़ों को आपने माकूल जवाब दिया कि अब हमें अपने से ज़रा डरना पड़ेगा। हमारा आदर्श क्या है? दलित साहित्य का आदर्श क्या है? हमारा आदर्श ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण जैसा बनना है क्या, या जाति मिटाना है? अगर हम ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण भूइया बन गए तो फिर तो जाति रहेगी। हमें तो इंसान बनना है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जाति मिटाना है। और अभी जो खतरनाक समय है, राष्ट्रद्रोह के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर हिंदूवाद जो बढ़ रहा है, ये आपके समक्ष बहुत खतरा है और आपको भ्रमित करने के लिए सचेत। अम्बेडकर को मोदी जी ने खूब प्रचारित कर दिया, गुजरात में अम्बेडकर की किताबों को विड्रॉ कर दिया। पढ़ो तो नहीं, पूजो तो। आदि दलितों को सबसे बड़ा खतरा है कि पूजने की वस्तु अम्बेडकर को न बना दे, उन्हें बचाइए। जैसे हम आदिवासियों में कहते हैं, बिरसा को भगवान मत बनाइए, अम्बेडकर को भगवान मत बनाइएगा। अम्बेडकर पूजने की चीज नहीं है, उनको ग्रहण कीजिए, उन पर अमल कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए, उनको पूजिए मत। जिस दिन आपने पूजना शुरू कर दिया तो अम्बेडकर का अस्तित्व